आज के सत्र में शिरकत की और आपको बताना यह था कि मैं पिछले कई महीनों से बराबर राजस्थान को जयपुर को आ रहा हूं, तो हमने आज ये आपको एक सलाह देना था, आपको बताना था कि हमने तय किया कि राजस्थान में हम हमारी एक कोर कमेटी बनाएंगे और वो कोर कमेटी जुलाई तक राजस्थान के मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर पार्टी के संगठन को बनाएंगे भी, मजबूत भी करेंगे और मैं भी उन प्रोग्राम्स में शिरकत करूंगा, आऊंगा और जहां कहीं भी हमारी जनसभा होगी या जनता से मुलाकात होगी, जिम्मेदारों से मुलाकात होगी, मैं आऊंगा। तो हमारी पूरी कोशिश यह है कि ये जुलाई एंड तक ये चलेगा और जुलाई एंड के बाद जहां जहां हमारा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा वहां पर इसको बनाकर एक बॉडी पूरे राजस्थान के लिए बनाई जाएगी। मगर क्योंकि अभी देर हो रही थी इसलिए हमने तय किया कि कोर कमेटी बनाएंगे जिसमें 6 लोग रहेंगे और उस कोर कमेटी के कन्वीनर होंगे जमील खान साहब जो मेरे दाई जानिब बैठे हैं, उनके साथ होंगे जावेद अली साहब, इमरान भाई साहब, मुजाहिद नफरी साहब, काशिफ भाई साहब और नौशाबा परवीन साहिबा। तो ये फैसला अहम फैसला लिया गया है और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में MIM पार्टी पूरी ताकत से हिस्सा लेगी और उस पर कितने सीट हम लोग खड़ा करेंगे इसके लिए बहुत जल्दी होगा बताना। दूसरा आपका सवाल होगा कि अलायंस के ताल्लुक से हम पहले अपना संगठन को अच्छा मजबूत कर लेंगे और जब वक्त पड़ेगा तो यकीनन हम लोग तमाम हालात को देखकर अगर अलायंस करना है जरूर करेंगे। इसके लिए हमारे कोई एक वो नहीं है कि हम नहीं करेंगे बिल्कुल, मगर पहले हमको अपने संगठन को मजबूत करना बेहद जरूरी है और उसके बाद फिर सही वक्त पर उस ताल्लुक से फैसला लिया जाएगा। तो यह हम 4 बातें मुझे आपको बताना था, अगर आपके कोई सवाल आते हैं तो जरूर मुझसे आप पूछ सकते हैं। वेल भैया मोबाइल पीछे कर लो, इन एवरी पार्ट ऑफ राजस्थान भाई मोबाइल विच इंक्लूड द ट्राइबल एरिया एज वेल एंड वी यू आर मेंबरशिप विल बी फॉर्मिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन ओवर देयर दैट इज फॉर श्योर विल हैपन। वेल लेट सी नाउ वी हैव स्टार्टेड आवर पॉलिटिकल जर्नी सो विल हैव टू फर्स्ट स्ट्रेंथन आवर पार्टी बाय फॉर्मिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन एट वेरियस लेवल एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड लेटर ऑन। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ये एक सिक्के के 2 रुख है तो इनसे कभी अलायंस नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, ना कांग्रेस से होगा ना बीजेपी से होगा। ओवैसी साहब 70 साल हो गए आपकी तकरीबन पार्टी को बने हुए, मगर हैदराबाद के अलावा जहां आपका सांसद है वहां भी आपका एक मुख्यमंत्री के रूप में AIMIM का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, आप राजस्थान में इधर अपना वो कर रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है, एक सवाल तो जान दीजिए ताकि अच्छा जवाब दे सकूं। देखिए लड़ाई जो है मुख्यमंत्री की नहीं है, लड़ाई 8 PM नो CM की तो नहीं है, लड़ाई ये है कि आपको अपनी लीडरशिप बनाने का है, आपको अपनी आवाज उठाने का है। आप ये बताइए कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आज से 1 महीना पहले मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में रूलिंग पार्टी TRS के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर जनाब KT Ramarao को बुलाकर एक दिन में मैंने 500 करोड़ के डेवलपमेंट के काम्स का इनॉग्रेशन करवाया जिसमें से 100 करोड़ तो फ्लाईओवर है। आप समझे बात को, आप बता दीजिए कि जितने 22-23 MP हैं भारत में, एक मिसाल देकर बता दीजिए।
तो हमारा पूरी कोशिश ये है और हम जो काम करते आ रहे हैं, हमारा मानना यह है कि मंत्री बनना आसान है, संतरी को नौकरी देना मुश्किल है मंत्री बनकर। तो एक पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप होना चाहिए जो आपके डिमांड्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रोविजन दिया गया उसको रखें और आप उन सवालात का हल तलाश करें और ये आपको काम करना है। अब आप बोलते हैं कि हैदराबाद के हद तक हम हैं, तो मैं आपके हाफिजे को ताजा करना चाहूंगा। बिहार में हमारे 5 एमएलए हैं, महाराष्ट्र में 2 एमएलए हैं, औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट पर आप ही की फ्रेटर्निटी से आए हुए इम्तियाज जलील साहब ने 21 साल के शिवसेना के एमपी को हराकर वहां पर कामयाबी हासिल की। मैं औरंगाबाद की जनता को सलाम करता हूं। कर्नाटक में हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, तो ये काम होगा। लड़ाई मेरी सत्ता की नहीं है, मेरी लड़ाई ये है कि लीडरशिप बने ताकि कोई आपके इंसाफ की लड़ाई लड़े। होता क्या है कि कोई मंत्री बन जाता मगर वो एक संतरी का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता। तो हम बेनाम की लीडरशिप को नहीं मानते, हम नाम की लीडरशिप को पैदा करना चाहते हैं और इसी मकसद के तहत मैं राजस्थान को आया हूं और यही मेरा और हमारी पार्टी का मकसद होगा। आप तो तेलंगाना में रह चुके हैं, आप तो देख चुके हैं हमारा काम, तो उससे अच्छा करने की कोशिश करें। सर, राजस्थान की 200 विधानसभा में से 40 विधानसभा ऐसी है जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जिन पर फोकस क्या आप पूरी तरीके से करेंगे विवाद से लेकर के? नहीं, आप क्यों हमारे को सीमित कर दे रहे 40 तक? क्यों सीमित कर रहे हैं आप क्यों मुझे सीमित कर रहे हैं मुसलमानों के अब तक? हम सबको साथ लेंगे, सबका एतमाद हासिल करेंगे और ये हमारी जब पार्टी के यूनिट तय करेगी कि कितने विधानसभा के सीट पर हम लड़ेंगे। मगर ये बोलना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ 40 तक हम महदूद रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है ना, आप मानते हैं मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं नहीं, मेरी अब तक तो खराब है, मान रहे ना आप? नहीं, क्यों? शांति जरूरी है और शांति की जिम्मेदारी जो है वो सब सरकार की होती है। अगर जो सरकार फसाद को रोकने में नाकाम साबित होती है, जो सरकार परमिशन देकर गड़बड़ को रोक नहीं पाती और जिसमें दुकानों का नुकसान हो जाता है, और जो सरकार के मुख्यमंत्री वहां पर जाकर विजिट भी नहीं करता है, तो ये उनका क्या कमिटमेंट है शांति के ऊपर? बिल्कुल जाएंगे, हम जाना चाह रहे थे। उस वक्त तो हमको सख्ती से बोला गया कि हम रोक देंगे, परमिशन नहीं देंगे, मगर हमने अपने तरफ से वहां पर जो विक्टिम्स का लॉस हुआ उनको हमने फाइनेंशियली मदद की है। वो लिस्ट अभी मेरे पास नहीं है, इंशाल्लाह एक दिन में मैं ट्विटर पे डाल दूंगा नाम। कांग्रेस का ये कहना है कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए 2023 में अभी लॉन्चिंग पार्टी की कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए आप मोदी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, ये अशोक गहलोत जी का आरोप है। हाँ, मैं इंतजार कर रहा था मतदान सवाल। इसीलिए सचिन पायलट मुझे पूछकर दिल्ली को गड़बड़ करने गए थे। इसीलिए हार्दिक पटेल जो हमारे एक दोस्त हैं जिनके सर पे बाल नहीं है, वो मुझे और हार्दिक पटेल को बिठाकर मुझे टोंक की कलाकन खिलाए, हार्दिक को गुलाब जामुन खिलाए। अब कांग्रेस पार्टी ऐसे काम करेगी तो फिर यकीन वो तो सत्ता से हाथ धोएगी ना। अभी जो हालात है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को आप बेहतर जानते हैं। अब इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं भी पूछ सकता हूं कि भाई आपको कोई राजस्थान से नहीं मिला जिसको आप राज्यसभा में एमपी बना सकते थे? 25 लोकसभा की सीटें, 10 राज्यसभा की सीटें हैं, हर समाज का रिप्रेजेंटेशन उसमें मुसलमान समाज का क्यों नहीं है भाई? मेरा भी सवाल है। तो ये इल्जाम लगाना ये इनकी फ्रस्ट्रेशन की पहली निशानी है
और दूसरा ये है कि वो देख रहे हैं कि राजस्थान में की जमीन सिसक रही है और उसके जिम्मेदार वो खुद रहेंगे। हाँ आप ज्ञान दे रहे हैं। एक के बाद फिर पूछा आप आइए आप समझाएं कहीं नहीं जाएंगे। नहीं देखिए ये जो वीडियोस मीडिया में चलाए जा रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस ने कहा कि मीडिया को नहीं चलाना चाहिए। अब ये सेलेक्टिव लीव कौन दे रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा इस बात को। आप लीक कर लो कुछ भी कर लो, 91 का एक्ट है। 91 के एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। और सबसे अहम सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी जो मुझ पर इल्जाम लगाती है गूंगी क्यों बनी हुई है? भाई आप ही की सरकार ने तो कानून बनाया था ना। अगर आप 91 का जो एक्ट का जो पार्लियामेंट के डिबेट देखेंगे लोकसभा के राज्यसभा के, उसमें मैं फिर से दोहराऊं इस बात को मीडिया में ने कहा था, उसमें उमा भारती ने चीख मारकर कहा था ज्ञान वापसी का क्या होगा। उसके बाद वो मोशन बीजेपी हार गई। तो इंटेंट ऑफ द पार्लियामेंट में ये बात शामिल है ना। तो 91 का एक्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके ऊपर। लेकिन सर नए वीडियो आने के बाद में कोई वीडियो नहीं, वीडियो चाहे देखिए वीडियो कुछ भी होगा, 15 अगस्त 1947 को हमने कानून बना दिया। पहले तो मैं उन वीडियोस को नहीं मानता हूं क्योंकि हो सकता है कि वीडियोस कंप्लीटली झूठ हो, एडिट करे हुए हो। क्या कोर्ट ने उसको दिया? क्या कोर्ट ने कहा कि पब्लिक डोमेन में? और अगर वीडियो सच भी है तब भी एक्ट एक्ट है, कानून कानून रहेगा। लेकिन सर वापस और सुनिए सुनिए, एक्ट एक्ट ही रहेगा, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपकी इत्तला के लिए बता रहा हूं, आप लोग एक जजमेंट पढ़ लीजिए। ये जजमेंट आया 1942 का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है 1942 का, वो सेटल कर चुका है इस चीज को। अभी वीडियोस आ रहे हैं तो कौन ले? आपकी सरकार है ना, चेंज करी निकाली उस प्रोविजन को। आप दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा बताइए हमको, बोलिए ना कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा। एग्रीकल्चर में महिलाओं को बेटियों को जमीन में हिस्सा देंगे नहीं देंगे? एग्रीकल्चर लैंड में क्या मुझे एग्रीकल्चर लैंड का हक मिलेगा हिमाचल में खरीदने का? और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट नॉन हिंदूज को नहीं मिलता है, क्या ये राइट टू इक्वालिटी का वायोलेशन नहीं? आप सबको देंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश की समस्या यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, देश की समस्या बेरोजगारी है। और मैं मानता हूं बेरोजगारी का जिम्मेदार शाहजहां है, देश की समस्या इन्फ्लेशन है, मैं मानता हूं उसका जिम्मेदार औरंगजेब है, देश की समस्या कीमतों में इजाफा है, उसका जिम्मेदार बादशाह अकबर है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें भाई, आपकी जो जिम्मेदारी है वो तो निभाइए। आप लोगों की जाने चले जा रही है शक की बुनियाद पर कि मुसलमान है, आप मार देते हैं, दंगा हो जाता है, गालियां दी जाती हैं। अगर कोई एक स्कूल के हिस्से में नमाज पढ़ता है तो उसको आप एक्शन लेते, इंक्वायरी कमेटी बिठा लेते आप। सर शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा है कि असम में मदरसे बंद हो सकते हैं तो राजस्थान में तो नहीं, इसको लेकर नहीं। अब वो पढ़े लिखे नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनके ज्ञान में इजाफा कर सकता हूँ? उनके ज्ञान में इस तरह इजाफा कर सकते हैं कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री हैं, उनके मंत्रालय में मदरसा मॉडरेशन स्कीम है, क्यों चला रहे भाई फिर आप? आप तो बजट पास हो रहा है ना पार्लियामेंट में उसका, यूपी में नहीं है स्कीम में जहां पर योगी मुख्यमंत्री हैं। इनको मदरसों से नफरत है तो बोलो राजा राममोहन राय के शाखा में पढ़े थे, मदरसे में पढ़े थे? इनको मदरसों से नफरत है तो बताओ देश की आजादी में जब तुम्हारी तो शाखा बनी नहीं थी, तुम तो अंग्रेजों से बारा का मिले हुए थे, आप मोहब्बत चल रही थी, आपका लॉफेयर चल रहा था अंग्रेजों के साथ,
इन मदरसों के जिम्मेदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। यही मदरसों के लोगों ने अल्लामा फजल खैराबादी 9 मरतबा लिखकर भीख नहीं मांगी अंग्रेजों से, मेरी जान बख्श दो। अल्लामा फजल खैराबादी फांसी पर चढ़ गए। यही मदरसों से निकलने वाले हुसैन अहमद मदनी, महमूद हसन साहब माल्टा की जेल में थे। यही मदरसों से पढ़ने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सब लोग थे। आज आप कह रहे हैं कि मदरसों से नफरत, आपको ये बात बताता है कि आपको इस्लाम से, मुसलमानों से कितनी नफरत है। और सच्चर कमेटी पढ़ लो, 3% बच्चे पढ़ते मुसलमानों के मदरसों में, सच्चर कमेटी कह रही है। मुसलमान का कितना है? मुसलमान का है सर इसमें 2.36। उससे पहले कितना था सर? तूने अरे भाई मैं थम्सअप नहीं हूँ, मेरी बात सुनो। हाँ मैं कान में फूट लगा के नहीं आता हूँ। उससे पहले कितना था मुसलमान का TFR बोलो? नहीं नहीं बोलो, अब कितना है? अरे ठहरो, अभी कितना है? 2.36। हाँ गिरा नहीं गिरा? अरे देखो देखो मेरे भाई, TFR अगर 3 से 2.3 आ रहा है तो मामूली बात है। अरे गिरा नहीं गिरा? गिरा 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 ना तो गिरेगा। और देखिए जितने पॉपुलेशन के एक्सपर्ट्स हैं, 2030 तक पॉपुलेशन सबका स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर आपकी बात सच है तो मोदी सरकार क्यों बोल रही है सुप्रीम कोर्ट को, क्यों एफिडेविट दिया कि हम 2 child नॉर्म नहीं बनाएंगे कानून? अरे आप बड़ी ना, मैं नहीं कह रहा हूं, आपका ही डेटा है ना, ये आपका ही डेटा है। बीजेपी दावा कर रही है कि आपसे मुसलमानों से डेढ़ गुनी, मतलब बीजेपी डेढ़ गुनी है हिंदुओं से मुसलमान जनसंख्या जो प्रजनन दर है। मेरे भाई अगर फर्ज करिए मुसलमानों का पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट यही रहा तो 200 साल लग जाएंगे, 200 years नहीं रहेगा, गिरते रहेगा। वो गिर रहा है ना भाई, 3% इस पे आ गया। उनको देखिए पढ़ते नहीं है ना, सिर्फ नफरत आग दिमाग में भरी गई है बस। मुसलमान ये कर रहा है, मुसलमान हिजाब खतरा देश के लिए, दाढ़ी खतरा, टोपी खतरा, मस्जिद खतरा, अजा खतरा, मुसलमानों का वजूद खतरा, तो बोले जा रहे हैं। अरे भाई जो डेटा है पढ़ा करो, तो ये इनके पॉलिटिक्स है इनकी। ये सर सर एक सवाल है सर, आप जब पिछली बार जयपुर आए थे सर, इनसे नहीं ये नहीं पूछा सर, बिहार में अगर नुमाइंदगी की अगर बात की जाए, अभी बात शुरू की थी जब कहा था कि हम नुमाइंदगी बढ़ाएंगे, 9 MLA है राजस्थान में, 2 मिनिस्टर है, आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं आपके आने के बाद? कितना परसेंट पॉपुलेशन है मुसलमानों का? 13% 10 से 12%। अच्छा कितने MLA है अभी? 9 है। कितना परसेंट है? 9% 4 हो गया ना, बढ़ना चाहिए ना। आप ले जाएंगे कैसे ले जाएंगे? अरे कैसे, वो अजम है, हौसला है, लेके जाएंगे, करेंगे काम। अब खाली आप ये जो 36% वोट मिला कांग्रेस पार्टी को, उसमें तो मुसलमान का वोट मिला, और आप वो क्या दे रहे हैं उनके मंत्री का बयान में पढ़ा था, हम तो खाली कब्रिस्तान के जिम्मेदार है, हैं? ये क्या बात है? ये तो बात है ना सर, नाम की लीडरशिप पैदा होनी चाहिए। इसीलिए मैं वो क्वेश्चन आपका था कि सत्ता में क्या मिल रहा है फिर आपको? बेचारा वो एक मंत्री तो लेटर लिख दिया मुख्यमंत्री को, मेरा तो सुनती नहीं है कोई बात। सर एक और सवाल था मेरा, वो रह गया पेंडिंग। जी सर, मैं नसावरा से, दिल्ली से, बिहार में कटिहार जिले में एक महिनू नाम लड़की के साथ उसके घर वाले के रहे बलात्कार, उसके बाद हत्या हुई। आपके विधायक भी वहाँ खामोश है, 5 विधायक नहीं 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 गलत, कोई वहाँ कुछ बोल नहीं रहा है। गलत बात है, आदिल हमारे युद्ध के लीडर हैं, वो हमारे जिम्मेदार वहाँ पर गए, उस पीड़ित परिवार से मुलाकात किए और पूरी जांच का मुतालबा किया, उसका कंडेम भी किया, ऐसी बात नहीं है। 7 दिन हो गए भी कोई ना ना ना, मैं टच में हूँ, वो गए हैं, उनके उस बच्ची के वालदा से मदर से मुलाकात हुई। कोई साहब एक सवाल और मेरा रह गया था कि पिछली बार जब आप आए थे तो एक वीडियो वायरल हुआ था, आप उस छोटा सा क्षेत्र में कहीं गए थे,
और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, उसमें पुलिस ने एक मामला भी दर्ज किया था। अच्छा। तो सच क्या था, मतलब आज आएंगे आप लोग की क्या वहाँ गए थे आप और वहाँ इस तरह का उन्माद हुआ? हाँ, मैं गया था वहाँ पर। मैं मुसलमान हूँ तो तरावी की नमाज पढ़ना मुझे जरूरी है। मैं तरावी की नमाज पढ़ने गया, नौजवान निकले अपनी मोहब्बत का इजहार किए और नारा लगा रहे थे भारत जिंदाबाद। आप हमारा नाम का भी नारा लगा दिए। उसके बाद वो वीडियो निकला तो पुलिस ने खुद कह दिया आप क्यों सवाल कर रहे हैं। पुलिस ने खुद कह दिया कैसा नारा लगा ही नहीं। मगर ये उन लोगों की मानसिकता को दिखाता है जो 75 साल का जश्न हम मनाने जा रहे हैं आजादी का, उसके बावजूद भी आप मुसलमानों को पाकिस्तान से देखते हैं। मतलब नारा नहीं लगा वहां पर, पुलिस खुद कह रही है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? वीडियो में तो बोलते दिख रहे हैं। देखिए मैं तो नहीं अडवाणी की तरह जिना की खबर पे नहीं गया ना। मैं जब पाकिस्तान गया था मणिशंकर अय्यर साहब और यशवंत सिन्हा साहब के साथ एक पैनल डिस्कशन है, देख लीजिए यूट्यूब पर दस्तियाब है। मैं और मणिशंकर अय्यर साहब और आपके कीर्ति आजाद साहब थे, आप देख लीजिए हमने क्या कहा था उनको भारत के बारे में, भारत और भारत के मुसलमानों के बारे में। मगर बार बार आप उनको जिन्ना, अरे हम तो सोचना तो दूर दूर की बात, हमारे ख्याल में भी नहीं आता ये इनके दिमाग में कैसे आता है। दिन रात ये लोग वजीफा पढ़ते हैं जिन्ना और पाकिस्तान का। ओवैसी साहब एक मेरा सवाल बट नहीं कुछ हाँ हम आपसे वादा कर रहे हैं कि नवंबर सुनिए नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में हम एक स्टडी करवा रहे हैं पूरे स्कॉलर्स के साथ। वो स्टडी की रिपोर्ट आपसे शेयर कर देंगे और आप देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि हम बाद आपको एम्पिरिकल डेटा देंगे कि ये मसले मसाए हैं, ये तकालीफ है, आप उसको आपके सामने रखेंगे जब आप हमसे सवाल करिए क्या है। फिर आखिरी सवाल अब आप मेरा एक सवाल, आम आदमी पार्टी पंजाब जीतने के बाद में जोशो खरोश के साथ मैं क्यों बोलूंगा उस पर, उससे क्या था? अरे तू पाकिस्तान से मिला देते, उनसे मिला देते। अब ये पूछो महमूद भाई कुछ बोले, मैं सबका स्पोक्स पर्सन तो थोड़ी हूँ। ओवैसी साहब आम आदमी पार्टी जो है political binary exists in Rajasthan revolving Congress and the BJP and several parties have tried in the past to establish themselves as third force but they haven't succeeded. So what are the factors you think which will act favorably for AIMA in this time? Well, as a student of politics, I do not believe in your contention because there is a time for everything. I think so the time is over. It has reached a saturation level and there is immense scope and space for many parties to emerge. And as you know very well that there can be no vacuum in life. So there is a huge vacuum in Rajasthan and MIM will try to fill that vacuum. And there are other different parties as well. And you know, everyone has a right and they are free to do whatever their political journey demands from them. So I do not accept this contention that this binary also, things are going to change and definitely people are looking for viable alternative option and we'll try to live up to that expectation. Sir, Gujarat में चुनाव होने वाले, वहां पर आपकी पार्टी के उप प्रमुख जो रहे शमशाद पठान, उनके 700 लोगों से ज्यादा ने इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, जब तक हमारे साथ थे तो हम अच्छे थे और जब चले गए तो बुरे हो गए। आप वैसे कोई बात ये होता है, वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ऐसा है ना कि हमारे साथ वो इफ्तार की दावत में खजूर खाए तो दूसरे शायद खजूर से बढ़ के खिला रहे होंगे, हम तो खजूर ही खिला सकते। ओवैसी साहब आम आदमी पार्टी पंजाब जीतने के बाद में जोश और खरोश के साथ में राजस्थान में ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, आप यूपी हारने के बाद में कितनी ताकत लगवाएंगे अपनी पार्टी के कारकुनों से? देखिए मेरी जिंदगी की डिक्शनरी में हार नाम की कोई चीज नहीं। जिद्दोजहद करना, मेहनत करना,
यकीनन इंसान है, मगर जब सुलह होती है तो एक नए अजम और हौसले के साथ उस दिन के लिए आपको काम करना पड़ता है। सर ये तो मेरी 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 जो सियासी जिंदगी का आगाज हुआ था 1994 में, मैं वाहिद एमएलए था अपनी पार्टी का, और वाहिद एमएलए होते हुए भी मेरे उस वक्त के 5 साल के टेन्योर में हमने 2 पार्लियामेंट इलेक्शन का सामना किया। मेरे हैदराबाद के पार्टी के मेंबर्स ने, जिम्मेदारों ने 1 एमएलए को रखकर हमने 2 पार्लियामेंट इलेक्शन जीते थे। तो ये तो चलते रहता है, मगर जहां तक मेरे अजम और हौसले का सवाल है वो बरकरार है। मैं कल भी पुरोमीद था, आज भी पुरोमीद हूँ और कल भी पुरोमीद हूँ। तो गैर यकीनी और नाउम्मीदी इंशाल्लाह 100 दिनों से करीब कभी नहीं आए। ये देश में जो अहम मुद्दे हैं, बढ़ती महंगाई है और इनसे हटाने के लिए ये दूसरी चीजें लेकर आते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का हो, एक मुसलमान समझकर किसी को मर्डर कर देना या बढ़ती हिंसा उग्र हुई, तो ऐसे आप कौन सी ऐसी चीज लेकर आएंगे इन सब के खात्मे के लिए कि पब्लिक आपसे जुड़े? देखिए मेरे पास तो कोई जड़ी बूटी नहीं है इन सब मसाइल को हल कर जाऊं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दे जनता के सामने अहम रहे, जिसका आपने जिक्र किया है, और हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि जनता के से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, मगर आप अगर ये समझ रहे हैं कि यही मुद्दे हैं, नहीं, मुसलमानों की बका का भी एक मसला है, मुसलमानों के जो टारगेट किया जा रहा है पूरे देश में वो भी एक मसला है, तो आप इसको दोनों को कहते ये है और वो नहीं, दोनों भी है और दोनों पर उसका जवाब देना पड़ेगा सरकारों को। आपका लास्ट कभी आता है सर? पंजाब में अभी सिंगर की हत्या हुई सर, मैं बोलता हूँ हमारे सवाल ये हुआ अभी सवाल अभी शुरू हो रहा है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो ये कहा जाता है कि SC ST और मुस्लिम वोट जो है तो कांग्रेस का है, शहरी पढ़ा लिखा वोट जो है बीजेपी का है। एक नई पार्टी आती आ रही थी, वो ढूंढती है कि 200 में से लगभग 90 सीटें ऐसी है जो जाट डोमिनेटिंग है। अब ऐसे में अगर आप ये तो मानेंगे कि जितनी भी पॉलिटिक्स है, जितनी भी सियासत है, वो कास्ट बेस है चाहे देश का कोई सा भी राजनीति, तो ऐसे में आप खुद को कास्ट बेस पॉलिटिक्स से अलग कैसे कर पाते? आप सच्चाई बयान कर रहे हैं, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, फिर मुझ पर क्यों इल्जाम लगाते हैं लोग? आप करें तो बड़ा काम, और हम जब डेवलपमेंट और हिस्सेदारी की बात करते हैं तो आपको तकलीफ हो जाती है लोगों को। सही कह रहे हैं आप, मगर हम फर्क दिखाएंगे। पूरी होने दो, अरे बात तो पूरी होने दो। शहर की तरह डांटते रहे हैं लेकिन अफसोस है, अफसोस माइनॉरिटी आपसे जुड़ क्यों नहीं पा रही है? पहलू कहां से लेकर मेरा सवाल लंबा है, ट्रिपल संवाद मेरी लड़ाई जो है ना सिर्फ इस हद तक सीमित नहीं है। अगर सियासी इलेक्शन की कामयाबी नहीं मिली तो क्या सच की शिकस्त हो गई? क्या सच तो भूलना पड़ेगा ना, आज नहीं निकल होगी इंशाल्लाह ताला बराबर होगी। उत्तर प्रदेश में तो आज मुसलमान तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, इतना वोट दिया हुआ मुसलमानों ने समाजवादी को, और मैं उस वक्त भी कह रहा था कि हिंदी हार्टलैंड में स्पेशली मुसलमानों को ये बात समझने की जरूरत है कि आप सरकारें नहीं बदल सकते हैं, आप अपने नुमाइंदों को, अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब करने की पोजीशन में हैं। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को धोखा दिया गया,
सरकार बदलो और आपका वोट बैंक है। कभी मुसलमानों का वोट बैंक नहीं था इस देश में, ना रहेगा। मैं दूसरी बात वोट दिया तब भी बीजेपी जीत गई, समाजवादी कहां रुक गई? माने डिमोलिशन बाबरी मस्जिद से पहले और बाद में इतना और मुसलमान नहीं दिया किसी पार्टी को, दिया उन्होंने। आज ना बुरखे पे बोलते हैं, ना हिजाब पे बोलते हैं, ना हलाल गोश्त पे बोलते हैं, ना ज्ञानवापी पे बोलते हैं, ना 91 के एक्ट पर बोलते हैं, बल्कि उनके विधायक के पेट्रोल पंप को थोड़ा ज्यादा जो मुसलमान है उस पर भी नहीं बोलते हैं, मगर मसीहा बने मुसलमानों के। तो ये तब्दीली आएगी और आ रही है और कोशिश हम करते रहेंगे।